दोस्तों, आपने टेलीस्कोप का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसी दूरबीन जो हमें आसमान में ऐसे ऐसे ग्रहों नक्षत्रों के दर्शन कराती है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन आज हम जिस टेलीस्कोप की बात करने वाले हैं वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप है जिसने अंतरिक्ष विज्ञान का भविष्य ही बदल कर रख दिया है, उनका सोचने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है, जिसने वैज्ञानिकों को ऐसे ऐसे रहस्यों से मिलवाया है जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी, यह टेलीस्कोप हमें भूतकाल में भी ले जाकर चीजें दिखाता है, खगोलीय घटनाओं के बारे में बताता है, यह हमें कई हजार वर्ष पहले घटी घटनाओं को आज दिखाने की ताकत रखता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। क्यों है टेलीस्कोप इतना सुर्खियों में है और कैसे काम करता है और कहां से काम करता है, इसको कौन चलाता है और कैसे चलाया जाता है। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य यूट्यूब चैनल और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। जेम्स वेब के बारे में जानने से पहले चलिए इसके पूर्वजों के बारे में जान लेते हैं जिसे हम हबल टेलीस्कोप कहते हैं। संभवतः मानव इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और सफल मिशन रहा है जिसने अपने खोजों और तस्वीर से हमारा इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर अब टेलीस्कोप काफी पुराना हो चुका है और समय के साथ हम मानव का खोज का दायरा भी बढ़ता जा रहा है जिसे हबल टेलीस्कोप अब पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने नए पीढ़ी के जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया। यह स्पेस टेलीस्कोप पुराने सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप से भी करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा जो कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं को देखने में सक्षम होगा। जिसके साथ ये टेलीस्कोप और भी कई सारी खूबियों से लैस है जो आने वाले समय में ब्रह्मांड की हमारी समझ और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। करीब 14 सालों के डिले के बाद आखिरकार इस स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च कर दिया गया। ऐसे में आज हम इस वीडियो में इस टेलीस्कोप और इसकी खूबियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले हमें हबल टेलीस्कोप के बारे में जानना होगा। आज से करीब 33 साल पहले 1990 में मानव इतिहास के सबसे सफल मिशनों में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा के डिस्कवरी स्पेस शटल की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को हमारी धरती के ऑर्बिट में करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। उस समय शायद ही वैज्ञानिकों को यह अनुमान रहा होगा कि स्पेस टेलीस्कोप आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन टूल में से एक बन जाएगा। करीब 3 दशकों के दौरान इसके द्वारा की गई खोजों ने हमारे ब्रह्मांड और दूसरे स्पेस बॉडीज को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हबल टेलीस्कोप ने अपनी खोजों से आकाशगंगाओं, तारों, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स, डार्क एनर्जी, बिग बैंग और हमारे ब्रह्मांड की उम्र से जुड़ी कई पहेलियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की सहायता की। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होने की वजह से यह टेलीस्कोप रिपेयरेबल था, यानी समय आने पर इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट को स्पेस में जाकर बदला जा सकता था। अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को अलग अलग मशीनों के जरिए अंतरिक्ष में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है जिसके दौरान इसके पुराने इंस्ट्रूमेंट और मिरर्स की जगह नए और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसके नियमित रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कारण यह पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप बन गया जो कितने लंबे समय तक काम कर रहा है। आखिरी बार 2009 में इस टेलीस्कोप को रिपेयर किया गया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले और करीब 5 सालों तक काम करता रहेगा और 2030 तक धीरे धीरे हमारे धरती के एटमॉस्फेयर की ओर खींचने लगेगा और आखिरकार यह एक वीरान समुद्र में क्रैश होकर नष्ट हो जाएगा। अब जब हबल टेलीस्कोप अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, ऐसे में वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमारे ब्रह्मांड का एक नए सिरे से अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। जेम्स टेलीस्कोप अब तक के हमारे मानव इतिहास का सबसे विशालकाय आधुनिक और कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो हबल टेलीस्कोप से करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। क्या है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इस महत्वाकांक्षी स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कनाडाई स्पेस एजेंसी CSA के आपसी सहयोग से किया जा रहा है। शुरू में इस स्पेस टेलीस्कोप को 2007 में लॉन्च करने की योजना थी जिस पर केवल $500 मिलियन का खर्च आने का अनुमान था, पर 2005 में इसके इनिशियल डिजाइन में काफी बड़े बदलाव किए गए जिसके बाद इसके लॉन्च को कई बार आगे बढ़ाया गया। कई सालों के डिले के बाद आखिरकार 2016 में इसके निर्माण को पूरा कर लिया गया। इसके बाद इसकी लागत बढ़कर $10 बिलियन के करीब हो गई
2016 में निर्माण को पूरा करने के बाद इसके इनिशियल टेस्ट शुरू किए गए जो कि 2019 तक चलते रहे। उस समय से मार्च 2021 में लॉन्च करने की योजना थी, पर आखिर समय में इसमें कुछ और तकनीकी खामी आ गई जिसके बाद इसके लॉन्च को एक बार फिर आगे बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दिया गया और आखिरकार 25 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च कर दिया गया। यह स्पेस टेलीस्कोप संभवतः मानव इतिहास के सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस इंस्ट्रूमेंट में से एक होगा जिसे बनाने में 14 देशों के करीब 1200 वैज्ञानिक इंजीनियर और टेक्नीशियंस ने अपना योगदान दिया है। अब जानते हैं कि इसमें और पुराने हबल टेलीस्कोप में क्या खास अंतर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मकसद हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करना है नहीं बल्कि इसे कॉम्प्लीमेंट करना है। दोनों ही बेहद ही अलग तरह के स्पेस टेलीस्कोप हैं जिनका मकसद हमारे ब्रह्मांड का अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अध्ययन करना है। जहां इंसान लाइट स्पेक्ट्रम के सिर्फ विजिबल लाइट को ही बस देख पाते हैं, वहीं हबल टेलीस्कोप इसके अल्ट्रा वायलेट सेक्शन को देखने और उसका अध्ययन करने में सक्षम है। इसके विपरीत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्यतः हमारे ब्रह्मांड का अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में अध्ययन करेगा। जहां हबल टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर 2.5 मीटर है, वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर से भी ज्यादा है। ज्यादा बड़े मिरर की वजह से ये स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में और भी ज्यादा दूरी तक देखने में सक्षम होगा। इसका 6.5 मीटर विशाल का मिरर मुख्य गोल्ड और बेरिलियम से बना हुआ है जिसकी सुरक्षा गोल्ड प्लेटेड सनशील्ड करती है। बेरिलियम एक बहुत ही ड्यूरेबल और लाइट वेट मटेरियल होता है। जब इसे गोल्ड के लेयर से कवर किया जाता है तब यह इंफ्रारेड लाइट का अध्ययन करने में मदद करता है। इसके कैमरे बेहद ही संवेदनशील हैं, जिन्हें सूर्य की किरणों से बचाना बेहद जरूरी है। इसे सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार के 5 स्थायी सन शील्ड तैयार किए हैं। सन शील्ड के 5 लेयर इंसानी बाल से भी छोटे हैं जो कि इंफ्रारेड कैमरे और इसके दूसरे सेंसर को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इसके साथ ही यही ने स्पेस के बेहद ही ठंडे तापमान में भी बचाए रखेगा ताकि टेलीस्कोप सही तरीके से काम कर सके। जहां यह सनशील्ड इस स्पेस टेलीस्कोप को हमारे ब्रह्मांड का आसानी से अध्ययन करने में मदद करता है, वहीं यह इसके लिए सबसे बड़ी समस्या भी पैदा करता है। यह सनशील्ड करीब 1000 अलग अलग पार्ट से मिलकर बनाया हुआ है जिसमें 8 मोटर 139 इक्वेटर्स लगाए गए हैं। सनशील्ड के अलग अलग भागों को अनफोल्ड करने के लिए इन सभी पार्ट्स और मोटर्स का पूरी तरह अच्छे से काम करना जरूरी है। इस टेलीस्कोप में 4 प्रमुख साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, जो नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और फाइन गाइडेंस सेंसर। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे मिरर इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि ये हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक मधुमक्खी के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप से विपरीत धरती के लो अर्थ ऑर्बिट की जगह लॉन्ग रेंज पॉइंट 2 यानी L2 में स्थापित किया जाएगा। लॉन्ग रेंज पॉइंट 2 धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक खास स्पॉट है। धरती से बेहद ही ज्यादा दूरी पर होने के कारण इस पॉइंट में जेम्स टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन में धरती और हमारे सूरज का कम से कम इंटरफेरेंस पड़ता है जिसके चलते यह बेहद ही आसानी से हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकेगा। साथ ही इस जगह स्थापित किए जाने वाले स्पेस मिशन को अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए बेहद ही कम ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इन फायदों के लिए इसे एक बेहद ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धरती से बेहद ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण हबल टेलीस्कोप की तरह यह टेलीस्कोप सर्विसेबल नहीं रहेगा, यानी इसको रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। यानी अंतरिक्ष यात्री समय समय पर स्पेस में जाकर इस टेलीस्कोप की रिपेयरिंग कर सकने में असमर्थ होंगे और इसमें नए इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा पाएंगे। यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को परफेक्ट बनाने का वैज्ञानिकों के पास केवल एक ही मौका रहेगा। इसके विपरीत 1990 में लॉन्च किए गए हबल टेलीस्कोप को खराब मिरर के साथ लॉन्च किया गया था, और अगर इसे 1993 एस्ट्रोनॉट द्वारा बनाया नहीं जाता तो हम हबल टेलीस्कोप से एक भी अच्छी तस्वीर नहीं ले पाते। पर आखिर वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के लिए इतना ज्यादा खर्च और मेहनत क्यों कर रहे हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप इसके बदले में वैज्ञानिकों को क्या देगा और क्या उन्हें हासिल होगा? क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप भूतकाल में जाकर यानी समय में पीछे जाकर चीजों को देख सकेगा? दूसरे तारे और आकाशगंगाएं हमारी पृथ्वी से बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनके प्रकाश को धरती तक आने में कई प्रकाश वर्षों का समय लग जाता है। इसलिए हम टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड में जितना ज्यादा दूर देखने में सक्षम होंगे, असल में हम अतीत में उतना ही पीछे देख रहे होंगे।
बेहद ही शक्तिशाली इंफ्रारेड कैमराज से लैस जेम्स वेब टेलीस्कोप आज से करीब 13.5 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं को देखने में सक्षम होगा। इन शुरुआती आकाश गंगाओं और तारों का करीबी से अध्ययन कर हम इनके निर्माण, डेवलपमेंट और साथ ही इनके अंत के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। हबल के अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज ने हमारी धरती से कई बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद ऐसे ही कई तारों और आकाश गंगाओं की तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों में हमें हमारी धरती से कई बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद ये आकाश गंगाएं रेड डॉट्स की तरह नजर आ रही हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वजह से रेड शिफ्ट हो गई है। इन आकाश गंगाओं की लाइट डार्क एनर्जी की वजह से लॉन्गर वेवलेंथ में स्ट्रेच हो गई है। ऐसे में अगर हमें हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत में जन्मे सबसे पुरानी आकाश गंगाओं को देखना है तो हमें इनकी तस्वीरें लो वेवलेंथ में लेनी होंगी, और यह सिर्फ तभी संभव है जब हम इनकी तस्वीरें इंफ्रारेड में लें। इसके साथ ही इसका इंफ्रारेड टेलीस्कोप आसानी से गैस और डस्ट के घने क्लाउड के पीछे छिपे हुए स्टार्स और स्पेस बॉडीज को देखने और उनका अध्ययन करने में सक्षम होगा, जिससे हम हमारे ब्रह्मांड के उस हिस्से को भी आसानी से अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें दूसरे स्पेस टेलीस्कोप से देख पाना और उनका अध्ययन कर पाना असंभव है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि टेलीस्कोप दूसरे पृथ्वी जैसे ग्रहों का अध्ययन करने और वहां किस प्रकार के एलियन लाइफ ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। साथ ही हमारे सौरमंडल के गैस जायंट्स बृहस्पति और शनि के उपग्रहों जैसे कि यूरोपा, टाइटन और इंसेलेडस का करीबी से अध्ययन और वहां जीवन के अस्तित्व की खोज करेगा। उसके बाद दिन आता है जुलाई 2022 का, जिसमें नासा ने जारी की जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली रंगीन तस्वीर, और यह हमारे ब्रह्मांड की भी पहली रंगीन तस्वीर थी। नासा का कहना है कि ब्रह्मांड की अब तक की सबसे दूरस्थ, सबसे विस्तृत तस्वीर है, जिसमें ऐसी गैलेक्सी भी नजर आ रही हैं जिनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों बरस लगते हैं। नासा ने मंगलवार को यह तस्वीर जारी की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तस्वीर के बारे में कहा, ये तस्वीरें दुनिया को याद दिलाएंगी कि अमेरिका बड़े बड़े काम कर सकता है, और अमेरिकियों खासकर बच्चों को एहसास दिलाएंगी कि कुछ भी हमारी क्षमताओं के बाहर नहीं है। $9 अरब से बना जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस टेलीस्कोप को बनाया गया है हमारे आकाशगंगा के बाहर फैले असीमित ब्रह्मांड में झांकने के मकसद से। वैज्ञानिकों ने बताया कि तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वह 4.6 अरब साल पुराना हमारा SMAC S0723 की है। तारों के इस समूह का कुल भार गुरुत्वाकर्षण लेंस की तरह काम करता है और इसके पीछे मौजूद आकाश गंगाओं से आ रहे प्रकाश को फैला देता है। नेल्सन ने कहा कि तस्वीर में जो रोशनी दिखाई दे रही है उनमें से कम 1.13 अरब साल पहले की है, यानी बिग बैंग से सिर्फ 80 करोड़ साल बाद की। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल धमाके यानी बिग बैंग से 13.8 अरब साल पहले हुई थी। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और भी विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपको बता सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।